सो जाओ सुष्मिता। पत्नी इतनी प्रॉब्लम में, तो पत्नी को कैसे नींद आ सकती आनंद? तुम मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते सुष्मिता, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम की वजह मैं खुद हूं। तुम देखते जाओ बस, मूड चेंज होगा तो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। कहां दूर प्रॉब्लम हुई सुष्मिता, पूरा एक साल हो गया इलाज चलते हुए, लेकिन इस घर को एक बच्चा तक नहीं दे पाए। पति पत्नी के प्यार की निशानी होते हैं बच्चे, घर की खुशहाली होते हैं बच्चे, लेकिन शायद हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। मेरे साथ सब ठीक होगा आनंद, मेरा दिल कहता है मैं माँ जरूर बनूंगी। कब सुष्मिता कब? देखना तुमने रोज रोज कैसी जलालत की जिंदगी जीनी पड़ती है, हमें भी और हमारी वजह से तुमको भी। ऊपर से एक ढंग की नौकरी तक नहीं मिल पाई, नहीं तो कब का छोड़ के चले जाते ये घर। और जरा सोचो, जब माँ बाबू जी को इस बात का पता चलेगा कि उनका इकलौता बेटा बाप बनने लायक नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या सहना और सुनना पड़ेगा हमें। आनंद, ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमें बच्चा भी होगा और जल्द से जल्द तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी। नहीं सुष्मिता, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता। शायद हमारे नसीब से लक्ष्मी और खुशी दोनों लुट गई हैं। तुम बस इस लक्ष्मी को खुश रखो, इस घर की लक्ष्मी, फिर देखना हमारे पास कैसे खुशियां आएंगी। और बाहर से